हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉप फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली के बारे में, जो कि भर्ती होने वाली है नागौर राजस्थान में 10 जून 2019 से लेके 20 जून 2019 के बीच में। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स जो हैं इस नोटिफिकेशन की डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, कौन कौन सी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और कितनी आपकी एज होनी चाहिए किस कैटेगरी में पार्ट लेने के लिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल जो है वो पता लग सकें। और गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जो आर्मी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जो आती हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सकें। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये रिक्रूटमेंट रैली जो है ये करवाई जाएगी रिक्रूटमेंट ऑफिस जो हेडक्वार्टर है जयपुर में उसके द्वारा, और ये रिक्रूटमेंट रैली जो होगी ये होगी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है नागौर, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे ये रैली कंडक्ट की जाएगी। और ये रैली होगी 10 जून 2019 से 20 जून 2019 के बीच में। और गाइज, आपको अगर इस रैली में पार्ट लेना है, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना जो है ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .NIC.IN पे जाके रजिस्टर करना होगा और इस रैली के लिए अप्लाई करना होगा। जिन कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन रजिस्टर किया होगा इस रैली के लिए, वही इस रैली में पार्ट ले सकते हैं और उनको ही इस रैली में पार्ट लेने के लिए जो है एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। सो ऑनलाइन रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका होना शुरू हुआ है वो हुआ है 16 मार्च 2019 से, और ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा 29 अप्रैल 2019 तक। अब देखते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके कैंडिडेट्स इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की, तो सिर्फ नागौर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस रैली में पार्ट ले सकते हैं। और ये रैली होगी सोल्जर GD के लिए, सोल्जर टेक्निकल के लिए, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, सोल्जर क्लर्क के लिए और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए। और ये रैली कंडक्ट होगी 10 जून से 20 जून 2019 के बीच में। तो गाइज़, अब देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं वो रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी की बात करते हैं वो करते हैं सोल्जर GD की। सोल्जर GD के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 21 साल, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए। हाइट आपकी 170, वेट 50 kg और चेस्ट 77 और एक्सपेंशन के साथ +5 सेंटीमीटर। और एजुकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो आप मैट्रिक पास होने चाहिए और टोटल मार्क्स आपके मैट्रिक में होने चाहिए 45%, और मैट्रिक में जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। और अगर आपने +2 किया हुआ है तो आपको एग्रीगेट परसेंटेज नहीं चाहिए उसमें। अगर आपने +2 किया हुआ है तो सिर्फ आप में उसके हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी एज होनी चाहिए 17.5 से 23 साल, यानी कि 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए। और हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg, चेस्ट 77 सेंटीमीटर। और क्वालिफिकेशन जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए वो आपका 10+2 पास होनी चाहिए, और 10+2 में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। ये चार सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी होने चाहिए आपके +2 में। और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए 50% मार्क्स, और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में होनी चाहिए। और 170 आपकी हाइट, 50 किलोग्राम वेट, 77 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अब जो एजुकेशन की बात करें तो आपकी 10+2 पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये चार सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होने चाहिए 10+2 में। 50% आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और बताई है, अगर किसी कैंडिडेट ने BSc डिग्री की हुई है बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर बायो साइंस में, और उसके साथ साथ उसने इंग्लिश भी स्टडी की है BSc में, तो उसकी जो परसेंटेज है टोटल 12th में वो काउंट नहीं की जाएगी फिर। तो उसे जो है ये चार सब्जेक्ट +2 में पास होने चाहिए, उसकी परसेंटेज नहीं देखी जाएगी। यानी कि जिसने 10+2 ही किया हुआ है उसकी परसेंटेज देखी जाएगी 10+2 में,
और जिसने बीएससी डिग्री किया हुआ है उसकी जो परसेंटेज है प्लस टू की वो नहीं देखी जाएगी, उसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया प्लस टू का कोई नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्जर क्लर्क के लिए। तो सोल्जर क्लर्क के लिए आपकी 17.5 से 23 साल एज होनी चाहिए, यानी कि 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में। हाइट आपकी होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर, 50 किलोग्राम वेट, 70 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए, और 10+2 आप पास होने चाहिए किसी इन तीन स्ट्रीम्स में से किसी में भी, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीन स्ट्रीम में से अगर आपने किसी में भी प्लस टू किया हुआ है तो आप इस सोल्जर क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए टोटल, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, और आपने इंग्लिश और इंग्लिश के साथ साथ मैथ या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीन सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई क्लास प्लस टू में पढ़ा हो, और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन की। तो सोल्जर ट्रेडमैन के लिए आपकी एज 17.5 से 23 साल, यानी कि 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच में। जो हाइट है 170 सेंटीमीटर, 50 किलोग्राम आपका वेट, और 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। तो यानी कि आपकी जो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने या फिर 10th किया हो, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ITI किया हुआ है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो आपका मेस कीपर है और हाउस कीपर है तो उसके लिए आपका 8th पास होना ही ज़रूरी है। तो ये था सोल्जर ट्रेडमैन के लिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कितना दिया जाएगा। तो अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या वॉर विडो हैं, या विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, और वेट में आपको 2 kg का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अडॉप्टेड सन हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में, और 2 किलोग्राम जो वेट में है रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 2 सेंटीमीटर, और वेट में 5 kg जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जब आपकी रैली होगी वो होगी 1.6 किलोमीटर रन की, यानी कि आपको 1600 मीटर की जो दौड़ होगी उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में ये कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में करेंगे आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। रेस के बाद होंगे आपके पुलअप्स, तो पुलअप्स आपको मिनिमम 6 करना कंपलसरी होंगे। अगर आप 6 करते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, 7 के 21 मार्क्स, 8 पुलअप्स के 27 मार्क्स, 9 के 33 मार्क्स, और 10 पुलअप्स के 40 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद होगा आपका 9 फीट डिच, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और इसके बाद होगा जिगजैग बैलेंस, इसमें भी आपके मार्क्स नहीं होंगे, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। फिर जो रैली होगी उसमें जो क्लियर कर जाएंगे कैंडिडेट उनका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर होगा आपका रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट होगा आपका मेडिकल टेस्ट के बाद, जिसके लिए आपको एडमिट कार्ड मेडिकल टेस्ट के बाद इशू किए जाएंगे, और फिर जो कैंडिडेट्स जो हैं रिटन टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, जो भी उनका टेस्ट होगा GD का होगा, क्लर्क का होगा, तो उनको जो है मेरिट लिस्ट उनकी निकाली जाएगी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। तो ये था आपका रिटन टेस्ट तक का सारा प्रोसीजर। अब बात करते हैं जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें बोनस मार्क्स किनको मिलते हैं और कितने मिलते हैं। तो बोनस मार्क्स जो मिलते हैं, जैसे वार्ड्स ऑफ अगर सर्विस मैन एक्स सर्विस मैन है तो उनको सोल्जर GD ट्रेडमैन के लिए 20 मार्क्स, और क्लर्क और टेक्निकल के लिए भी 20 मार्क्स जो हैं बोनस दिए जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आपको 20-20 मार्क हर एक टेस्ट में दिए जाएंगे, और अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे तो आपको, अगर आप सोल्जर GD सोल्जर ट्रेडमैन का दे रहे हैं तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर क्लर्क और टेक्निकल का दे रहे हैं तब भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे बोनस। अगर आप डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको 10-10 नंबर जो भी आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं उसमें दिए जाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी टीम को या फिर रीजनल टीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल किया हुआ है तो आपको स्टेट लेवल के लिए दिए जाएंगे 10-10 नंबर जो भी आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी और स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया हुआ है तो आपको 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स की। तो NCC ए सर्टिफिकेट वालों को 5-5 नंबर दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 10-10 मार्क्स, और जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं अगर वो सोल्जर और GD एंड सोल्जर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मेडिकल टेस्ट के बाद अगर क्लियर हैं तो उनको डायरेक्ट जो है वो सिलेक्शन दिया जाएगा।
और अगर सोल्जर क्लर्क या फिर टेक्निकली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको रिटन टेस्ट देना होगा, और उसमें जो उनको बोनस मार्क्स मिलेंगे वो 15 मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं एनसीसी सीट सर्टिफिकेट जो होता है, और जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्ट किया हुआ है तो उसको मेडिकल टेस्ट अगर उसका क्लियर है तो कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली जो है उसकी सिलेक्शन हो जाती है, चाहे वो जीडी के लिए अप्लाई कर रहा है, ट्रेडमैन के लिए कर रहा है, क्लर्क के लिए कर रहा है या फिर टेक्निकल के लिए कर रहा है। तो ये था बोनस मार्क्स जो दिए जाते हैं जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रैली साइट पे लेके जाने होंगे। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड जो आपको इशू किया जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, वो आपको लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपको ये ईमेल के द्वारा भी भेज दिया जाएगा। दूसरा, आपको जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं आपके वो लेके जाने होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, और एक एफिडेविट जो है वो भी आपको साइन करवाना होगा जिसका फॉर्मेट यहाँ दिया होता है, आधार कार्ड। तो ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने पड़ेंगे जब आप रैली के लिए जाएंगे। सो गाइज, ये था नोटिफिकेशन जिसकी सारी डिटेल्स जो है मैंने डिस्कस कर दी हैं आपके साथ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी जानकारी जो है आपको क्लियरली मिल चुकी होगी। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।